जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनीराम शर्मा के मार्गदर्शन में लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत स्थानीय महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन पलवल में रिजर्व में रखे हुए पीठासीन अधिकारियों, अतिरिक्त पीठासीन अधिकारियों व पोलिंग अधिकारियों को मास्टर ट्रेनिंग द्वारा ईवीएम व वीवीपैट मशीनों व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पलवल जितेंद्र कुमार तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम होडल वत्सल वशिष्ठा ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीठासीन अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करें। उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीन को पूरी सावधानी पूर्वक बूथों पर स्थापित किया जाए। मतदान प्रक्रिया में सबसे पहले मॉक पोल समय पर करवाया जाए, मतदान भी समय पर शुरू करवाया जाए, महिला व पुरुष की लाइन व्यवस्थित ढंग से लगी हो। उन्होंने कहा कि इस रिहर्सल में ईवीएम के साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट मशीन से संबंधित जानकारियों को अच्छी तरह से समझ लें। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी नरेश जोवल, जिला उद्यान अधिकारी अब्दुल रजाक सहित रिजर्व में रहने वाले प्रेजाइडिंग ऑफिसर उपस्थित थे। विशेष ट्रेनर नीरज गहलोत द्वारा ईवीएम कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट मशीन से मतदान कराने की प्रक्रिया के बारे में बड़ी बारीकी से जानकारी दी गई। एपिक इसलिए है, दूसरा प्रूफ है जो वोटर लिस्ट है, लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर, क्योंकि हमको सीरियल नंबर चाहिए। 5:30 बजे हमको सभी एआरओ को वो लिस्ट देनी पड़ेगी कि हमने इन इन लोगों को ईडीसी इशू कर दिया है, ताकि आपके नाम के अगेंस्ट में वहां पे ईडीसी की स्टैंप लग जाएगी कि आपको ईडीसी इशू हो चुका है, ताकि वो लिस्ट भी अपडेट करनी बहुत जरूरी है। कल सुबह, आज शाम को जब हम उनको देंगे तो वो रात भर लग के कल तक वो लिस्ट अपडेट हो पाएगी, जो कि कल जब आपके इलेक्शन मटेरियल बटेंगे तो जो वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर का जो बैग होगा उसमें वो लिस्ट चली जाएगी जिसके अंदर ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो ये काफी लंबा शेड्यूल होगा जो एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो आप लोग इससे जैसे फारिक हो ट्रेनिंग से, आपको ड्यूटी ऑर्डर मिले। जिसकी वोट आप 82, 83 और 84 कंस्टिट्यूंसी में यदि रजिस्टर्ड हैं तो तीनों कंस्टिट्यूंसी कहीं पर भी ड्यूटी हो, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अपना जहां पे भी वोट है हम आपको ईडीसी इशू करेंगे और उसको इश्यू करने के बाद में आप उसको वोट कर सकते हैं।